हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। आज के इस सेशन में झारखंड चौकीदार का प्रैक्टिस शीट नंबर 6 देखने वाले, सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? गैर भाजपा यानी कि इसका तात्पर्य है जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, वह पहले मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। बात करें जेएमएम पार्टी के गठन की, तो इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 4 फरवरी 1973 ईस्वी में। कब? 4 फरवरी 1973 ईस्वी में जेएमएम पार्टी का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? विनोद बिहारी महतो जी के अध्यक्षता में, और सचिव के पद पर थे शिबू सोरेन। बात करें यदि हम लोग बाबूलाल मरांडी की, तो ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। तीसरे मुख्यमंत्री बात करें तो तीसरे मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। और इस प्रकार यदि हम लोग रघुवर दास की बात करें, तो ये 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, ये तीनों व्यक्ति बीजेपी पार्टी से संबंध रखते। कौन से पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। और एक्स्ट्रा यदि हम लोग बात करें शिबू सोरेन की, तो शिबू सोरेन के कार्यकाल के समय ही झारखंड में 2 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। पहला राष्ट्रपति शासन यदि बात करें 19 जनवरी 2009 ईस्वी को, उस समय मुख्यमंत्री पद पर थे शिबू सोरेन। दूसरा बार जो राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 ईस्वी में लागू किया गया, उस समय भी मुख्यमंत्री पद पर थे शिबू सोरेन। और तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 18 जनवरी 2013 ईस्वी में, उस समय मुख्यमंत्री पद पर थे अर्जुन मुंडा। इस प्रकार झारखंड में अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? झारखंड के वर्तमान राज्यपाल की बात करें जो कि 10वें नंबर के राज्यपाल है, कौन है? रमेश बैस। और इससे पहले जो 9वें नंबर के जो राज्यपाल थे झारखंड के, वह कौन राज्यपाल थे? द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और यह झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री भी है, द्रौपदी मुर्मू। बात करें रमेश बैस की, तो इससे पहले झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो निवासी यदि हम लोग बात करें, छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले हैं निवासी रमेश बैस। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे? अर्जुन मुंडा जो कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे, और इनका जो कार्यकाल था, पहला कार्यकाल 18 मार्च 2003 ईस्वी से 2 मार्च 2005 ईस्वी के बीच। बात करें यदि हम लोग अर्जुन मुंडा की, तो इसका विधानसभा क्षेत्र था खरसावां। बाबूलाल मरांडी जो कि पहले मुख्यमंत्री थे, उनका विधानसभा क्षेत्र था रामगढ़। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? लौह अयस्क भंडार, सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ पर मिलता है? पश्चिमी सिंहभूम में। यदि हम लोग कुछ स्थान के बारे में यदि स्पेसिफाई करें, तो नोवा मुंडी, चिरैया, गुआ, जामदा, पश्चिमी सिंहभूम के ही अंतर्गत ये स्थान आते हैं, नोवा मुंडी, चिरैया, गुआ, जामदा। यहाँ पे लौह अयस्क प्रसिद्ध समृद्ध यहाँ पे भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कमिश्नरी के क्षेत्र तक ही सीमित है? तो किस कमिश्नरी तक इसका क्षेत्र है जो कि वह सीमित है? इसका सीमित है संथाल परगना कमिश्नरी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स के पास कितनी ऊंचाई से गिरती है? हुंडरू फॉल्स की बात करें जो कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, कितनी ऊंचाई से गिरती है? मीटर में यदि प्रश्न पूछे तो 98 मीटर ऊंचाई से गिरती है। वही फीट में बात करें 321 फीट अप्रोक्स में, वही 322 फीट दिया हुआ है। तो बात आ जाता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। यह कितनी ऊंचाई से गिरती है? मीटर में 143 मीटर से, फीट में यदि हम लोग बात करें 450 फीट की ऊंचाई से गिरती है। स्वर्णरेखा नदी की बात करें, इसका उद्गम नगरी रांची से होता है, और इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है, और यह झारखंड की एकमात्र ऐसी स्वतंत्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। स्वर्णरेखा नदी की यदि हम लोग बात करें, इसी नदी पर ही चांडिल डैम जो कि सरायकेला खरसावां में बना है, इसी नदी पर बना है।
नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी लगभग क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें बोकारो जिले की आबादी, तो इसकी आबादी कितनी है? 20 लाख। पुराने सिंहभूम जिले से कितने ब्लॉक अलग करके बाद पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन किया गया है? पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन की बात करें तो इसका गठन 1990 ईस्वी में किया गया है। कितने ब्लॉक इसमें शामिल किए गए हैं? 9 ब्लॉक। गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है? किस नदी से घिरा है? सोन नदी से। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से और इसका मुहाना बात करें गंगा नदी में जाकर के यह मिल जाती है। सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल और उत्तरी कोयल की दो सहायक नदी है औरंगा और अमानत। नेक्स्ट प्रश्न, हरिहर धाम जिसे कि झारखंड धाम भी कहा जाता है, झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो झारखंड धाम यानी कि हरिहर धाम मंदिर किस जिला में स्थित है? गिरिडीह जिला में। नेक्स्ट प्रश्न, गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? गुमला जिले की बात करें लोकेशन की तो उत्तर दक्षिणी भाग में स्थित है। गुमला जिला रांची से कब अलग होकर बना? गुमला जिला किस भूभाग को काट करके बनाया गया है? रांची जिले को। और गुमला जिले के भूभाग को काट करके बनाया गया है सिमडेगा जिले को। गुमला जिले के निर्माण बात करें इसका गठन 18 मई 1993 ईस्वी में। सिमडेगा निर्माण किया गया है गुमला जिले से और गुमला जिला का निर्माण किया गया है रांची जिले से। झारखंड राज्य में सरकार की राज्य नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो किसके द्वारा लागू की जाती है? साझा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, एक दो प्रश्न है जो कि एचिदा पेचिदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? तो अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर बात करें वह है 57.10%। झारखंड का यदि 2011 के अनुसार बात करें ओवरऑल साक्षरता दर, तो ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है? 66.41%। पुरुषों की साक्षरता दर है 76.84%। महिलाओं की साक्षरता दर है 55.40%। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? किस जिले में आदिवासी बहुत ही कम निवास करती है प्रतिशत के मामले में? तो वह जिला है कोडरमा जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था, किसे स्थापित किया गया है? झारखंड शैक्षणिक परिषद को। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था? डोरंडा रांची में। मुंडा आबादी खुद को क्या बताती हैं? तो मुंडा आबादी की बात करें ये खुद को होड़को बताती हैं। और जनसंख्या के मामले में यदि हम लोग बात करें तो झारखंड की यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बात आ जाती है बड़ी सबसे पहली और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के मामले में। पहले नंबर पर संथाल जनजाति निवास करती है, दूसरे नंबर पर उरांव जनजाति, तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे नंबर पर हो जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से आप करती है? तो बोकारो जो कारखाना है वह किस खदान से अपने आयरन और लौह अयस्क की आपूर्ति करती है? क्योंझर खान से। और टिस्को बात करें, टिस्को अपना जो आयरन और है वह आपूर्ति करती है नोवा मुंडी की खान से। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जत्रा से महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है? जनजातियों की पहचान करें, उराव जनजाति का। सरहुल मुंडा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? सरहुल पर्व को मुंडा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? बहा पर्व के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में बिरहोर जनजाति के लोगों के निवास के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिरहोर जनजाति के लोगों के निवास के रूप में किसे जाना जाता है? टंडा को। और यहाँ पे यदि बात करें सरहुल पर्व की, यह कब मनाया जाता है? चैत्र माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को सरहुल पर्व मनाया जाता है। कर्मा पर्व की बात करें भादव एकादशी की इंजोरिया रात को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस शहर को स्टील सिटी का नाम दिया गया है? टाटा नगर जमशेदपुर को स्टील सिटी का नगर नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? कई लोग
यूरेनियम का नाम ही देख के कहेंगे या ऑप्शन में गलती है, बट यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को गौर से देखना है। यूरेनियम पर संस्करण कारखाना, ये कारखाना तो स्थित है घाटशिला में, बट यूरेनियम का समृद्ध भंडार पाया जाता है जादूगोड़ा हो गया, नरवा पहाड़, तुरामडी। तीन स्थान आप लोगों को मुख्य तौर पर याद कर लेने हैं यूरेनियम के लिए, जो कि समृद्ध भंडार है, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी। नेक प्रश्न, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना खाली स्थान में की गई है, सिंदरी में। नेक प्रश्न, उलगुलान विद्रोह निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह किसके साथ जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा के साथ। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और यह कब की घटना है? 1895 ईस्वी की। बात करें संथाल विद्रोह की, यह घटना है 1855 ईस्वी की, और संथाल विद्रोह को कुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक प्रश्न है, किस वर्ष ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? 1948 ईस्वी में। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? मुंडा जनजाति। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? किस हिस्से में सर्दियों में सबसे न्यूनतम तापमान होता है? नेतरहाट पठार में। यहाँ का तापमान बात करें सर्दियों के दिनों में 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और बात करें झारखंड में सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी। इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी? ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए जो कि मगध की राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र।